वो सब मैं नहीं जानता। अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो अपने घर की जमीन मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। क्या मुझे इस उम्र में ये लोन मिलेगा? हाँ, 18 से 35 की उम्र तक कोई भी इंसान इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। और तो और, तुमने तो आईटीआई भी किया है, ये तो और भी अच्छी बात है। सही में तुम सच कह रहे हो? टेक्निकल कोर्स के लोगों को ये लोन जल्द ही मिल जाता है। मैं इस लोन के लिए अप्लाई करूंगा। मुझे ये बताओ क्या क्या करना होगा। पागल हो गए हो क्या? अपने पिता समान आदमी पर हाथ उठाते हो? तालुकदार के पाले हुए कुत्ते, बेगरत। शिष्टाचार नाम की चीज को भूल गया? भैया आप इन सब में मत घुसिए, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? तुम सबकी ये गुंडागर्दी मैं सहन नहीं करूंगा। भैया आप कुछ नहीं जानते, इसने तालुकदार भैया से कितना पैसा उधार लाया है आपको नहीं पता? तालुकदार से इन्होंने पैसा उधार में लाया है, खाया नहीं है। तुम लोगों के तालुकदार ने जो गांव का माहौल खराब किया है वो सब तुम्हें नहीं दिखता है? वो शराब का धंधा करके हमारे युवाओं की जिंदगी नष्ट कर रहा है और लकड़ियां सुराकर सरकार के संपत्ति नष्ट कर रहा है, वो सब तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, इंसान को जीने के लिए बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। दूसरों की बर्बादी करके ये सब बिजनेस करना कहाँ की अच्छाई है? तालुकदार तुम जैसे लोगों को यूज करता है और खुद पैसों की गठरी पर बैठा हुआ होता है। अरे वो सब चीजों की खबर नहीं है तुमको? उनके पैसों से हम भी तो जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं हम लोग कैसे जीते। रुपए पैसे कमाने की बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं, वो सब कभी जानने की कोशिश की है तुमने? उस सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक ही बात पता है, जब तक तालुकदार भैया के हाथ हमारे सर पर है तब तक हम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप मुझे समझाइए मत। देखना, तुम लोग एक दिन पछताओगे। आइए सासा जी, चलिए। चलो बेटा, चलो चलिए। हेलो, क्या? रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो। ग्रिल का आज 2 ऑर्डर और आया है, पार्टी बड़ी है। अच्छा, मारो।
कोकुल की माँ की कल शाम फिसलने से कमर टूट गई, सुना है तुमने? हाँ सुना तो है कि रात को ही मेडिकल लेके गया था। अच्छा? हाँ वहाँ एक बार जाके खबर लेना चाहिए था। हाँ जाने से ठीक रहेगा। अरे रुबुल कैसे हो? अरे अनिमेश आओ आओ। ए हरण पकड़ तुम। जी ठीक है। अरे बाहर क्यों, आओ ना अंदर आओ। चलो आओ आजा बैठो। बोलो। मैं तुम्हारे लिए एक ऑर्डर लाया हूँ। कैसा ऑर्डर? हमारे कॉलेज की नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, उसमें लगने वाली लोहे की सीढ़ी, खिड़कियों की ग्रिल वगैरह की ऑर्डर प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें देने के लिए बोला है। अच्छा सच में? हाँ। तुम और कितनी मदद करोगे मेरी? इस तरह अगर काम चलता रहा तो मेरा बैंक का जितना भी उधार है जल्द ही लौटा पाऊंगा। बिल्कुल क्यों नहीं, जल्द ही लौटा पाओगे। अच्छा सुना है कि गोकुल की माँ की ऑपरेशन होने वाली है। सच में? हाँ। तो बहुत पैसा लगेंगे। हाँ देखता हूँ इस बार तालुकदार मदद करता है कि नहीं। वो कहाँ मदद करेगा। भैया अगर आप मदद नहीं करोगे तो मेरा मदद कौन करेगा? कृपया मेरी माँ को बचा लो, मैं सारी जिंदगी आपके लिए काम करूंगा भैया। मैंने क्या पेटों का पेड़ उगा कर रखा है? लो 1,00,000 रुपए झाल कर दे दूं। तुम्हें तो पता ही है बिजनेस कितना मंदा चल रहा है। देश का पहला सबसे बड़ा रियलिटी शो मंच पर देश भर की महिला के साथ जननी से जननी के मिलन का उत्सव होगा स्त्री शक्ति का सम्मान। दूरदर्शन महिला किसान अवार्ड्स सिर्फ दीदी किसान पर। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। भैया ऐसा मत करिए, इतना सारा पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे क्या बता तुझे कहाँ से मिलेगा। हेलो हेलो रो अरे राणा हेलो मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, ठीक है? भैया भैया ऐसा मत कीजिए, भैया भैया मेरे बारे में तो सोचिए भैया। हाँ 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 उसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ककुल की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बड़ी हैरानी हो रही है। चलो तो अभी के लिए रखता हूँ, इंटरनेट पर जाकर देखता हूँ कि सरकार की कोई एक योजना हो जिससे कि गोकुल उसका पूरा लाभ उठा सके। ठीक है ओके बाय।
ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जरिए गकुल की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बेटा क्या कर रहे हो? नेट पर सरकार की योजना के बारे में देख रहा हूँ। गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं। गकुल जैसे लड़का को इन सब की जानकारी देना बहुत जरूरी है। हाँ ढूंढो। अच्छा ये रुबुल का बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है और अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। वैसे भी उसका काम भी अच्छा है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। रुबुल ने 8 लोगों को काम दिया है। अगर वो इस तरह से काम करता रहा तो एक दिन उसका इंडस्ट्री अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। तुमने ठीक ही कहा था। अगर आज की युवा वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए तो आत्मनिर्भर जरूर बन सकता है। सिर्फ काम करने के लिए एकाग्रता और हिम्मत की जरूरत है। पर हमारे यहाँ के लोगों को जल्द ही पैसा कमाने की चाहत होती है और यही तो आज की युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। अरे गोकुल, आज इतने सुबह सुबह कुछ काम है क्या? चाची मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ। मुश्किल? कैसी मुश्किल? चाची मेरी माँ की खबर तो आपको मिली ही होगी। हाँ सुना है, अब कैसी है वो? हालत ठीक नहीं है चाची, कमर टूट गई है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे राम, क्या कह रहे हो? हाँ चाची, इसलिए कुछ पैसों की मदद के लिए अनिमेश भैया से मिलने आया हूँ। क्या वो घर में है? हाँ मैं घर में ही हूँ। अंदर से मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। बोलो कितने पैसों की जरूरत है? अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। हाँ भाई बोलो। अभी भैया 1,00,000 तालुकदार के पास गया था, उसने साफ मना कर दिया। क्यों, तालुकदार ने मदद करने से मना कर दिया? भैया आपने ठीक ही कहा था कि एक दिन मुझे पछताना पड़ेगा। आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत रास्ते पे भटक रहा था। अब इतना परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया यही बहुत है। एक काम करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तुम अस्पताल पहुंचो। भैया मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले साची को ठीक हो जाने दो, उसके बाद जितना शुक्रिया अदा करना है करते रहना। और जाने से पहले मुझसे एक वादा करो, तुम तालुकदार के सभी काम छोड़ दोगे। वादा करता हूँ भैया, आज के बाद मैं उसका एक भी काम नहीं करूँगा। बढ़िया, अब खुद से कुछ काम करने की कोशिश करो। ठीक है भैया, आप जो कहोगे वही होगा, लेकिन मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हूँ। कोई बात नहीं, सरकार ने तुम जैसे लोगों के लिए ढेर सारी योजनाएं चला रखी है जिससे तुम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हो। योजना? कैसी योजना भैया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में मैंने नेट पर पढ़ा है। ये योजना गांव के गरीब लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की एक कोशिश है। भैया ये सब बातें तो मुझे पता ही नहीं था। तुमको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए तुम अस्पताल जाओ। ठीक है भैया, चलता हूं। ठीक है।
गोकुल कहाँ है? इन दिनों दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी माँ को अस्पताल से ले आया क्या? हाँ भैया, मुझे पता चला है कि वो अब यहाँ पे कभी नहीं आएगा। क्या? जी भैया, आजकल गोकुल और हमारे दो चार लड़के वो अनिमेश और रुबुल की बातों में चलने लगे हैं। समझ गया, ये अनिमेश लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे इसका कुछ जरूर करना पड़ेगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। समझ रहे हो ना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जरिए तुम बैंक से लोन ले सकते हो, और इस योजना के तहत लोन पाने के लिए कम से कम 8वीं पास जरूरी है, और तुम तो 10वीं पास हो। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी, और इसमें ब्याज दर भी बहुत कम है, और तुम्हें तो उम्र का भी कोई चिंता नहीं। मतलब 18 से 35 की उम्र के लोग ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। पर मैं क्या बिजनेस करूंगा भैया? तुम एक दुकान खोल सकते हो, या एक गाड़ी खरीद कर उसे सवारी पर लगा सकते हो, या और भी ऐसे बहुत व्यवसायी हैं जिन्हें तुम आसानी से कर सकते हो। भैया मैं एक ई रिक्शा खरीद लूंगा, ये ठीक रहेगा ना? ठीक है, और तुम्हारी ये लोन अप्लाई करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपना आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स ले आना। ठीक है भैया, ले आऊंगा। और एक बात, इस लोन के लिए जो अप्लाई करेगा उसका पारिवारिक आय 40,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। भैया आपको तो हमारे घर के बारे में पता ही है। पता है। इस लोन के लिए अप्लाई करने के बाद जिला विभाग या सब डिवीजन ऑफिस में इंटरव्यू होगा, और वहीं पर किसको लोन मिलेगा उसका निर्णय लिया जाएगा। अच्छा। और हाँ, उसके बाद ही बैंक तुम्हें लोन देगा। भैया मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, बस आप मुझे लोन पास करवा दीजिए, मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। शाबाश, तुम्हारे उत्साह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो। ठीक है भैया, चलता हूँ। क्या? हाँ भैया। क्या बोला? हिरेन भैया ने भी शराब पीना शुरू कर दिया? हाँ, आज ही उनमें इसके साथ बात करके तालुकदार की शराब की आदत तोड़ना पड़ेगा। आज क्यों, अभी अभी अनिमेश के साथ बात करके फैसला लेना होगा। चलो। सुरभि, सुरभि सुनो तो। क्या है? अरे जानती हो तुम क्या हो गया? भैया जल्दी चलिए, हम लोग का सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? अरे वहाँ पे अनिमेश और कुछ लोगों ने मिलकर हमारे सारे तहस नहस कर दिए।
क्या मेरे सारे शराब के अड्डे जला दिए? हाँ भैया, मैं अभी जाके देखता हूँ, आप भी चलिए। इसलिए शायद तालुकदार ने लोगों को बोलकर तुम पर हमला करवाया, पर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक ही कह रही हूँ, समाज के अच्छाई के लिए मैं तालुकदार के विरुद्ध खड़ा हुआ, मेरे उससे कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है। गांव का माहौल भी अब ठीक होने लगा है और युवाओं भी अपने अपने कामों में ध्यान देने लगा है, और यही देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। बस लेकिन हम रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे और गांव के भलाई के लिए काम करेंगे, है ना पंकज? हाँ बिल्कुल। चलते चलते राहों में हमें मिले हजारों अपने, दिखते ही दिखते सारे अपने हुए क्यों आज पराए। दिन धरे जब मुश्किल लगे घरी, फिर भी रह गया कुछ बाकी, अंधेरे हैं जो हमारे हर गली, लाना है अब हमें रोशनी। सुहानी सपने, सुहानी सपने, सुहानी सपने, सुहानी।